हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल अरहान एंटरटेनमेंट में। मैं हूँ राशिद शेख। तो आज हम लोग बात करेंगे उल्लू की वेब सीरीज चम सुख के बारे में, जिसके 4 एपिसोड आ चुके हैं और 5वां अभी तक आया नहीं है। तो यार, उल्लू की वेब सीरीज के रिव्यू करने से पहले मैं इतना बोलूंगा कि बहुत से लोग मुझे कमेंट करके बोल रहे थे कि भाई तुमने उल्लू की वेब सीरीज के बारे में रिव्यू करना क्यों बंद कर दिए। तो मैं लोगों को इतना बोला कि उल्लू वेब सीरीज नहीं बनाता है, तो ये चीज आप लोग बोलना छोड़ दे। उल्लू सिर्फ एडल्ट इरोटिक वेब सीरीज बनाता है जो कि समाज के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ये किसी वायरस और किसी एटम बम से कम नहीं जो अंदर ही अंदर बच्चों को, यंगस्टर को बिगाड़ रही है। और इतना खुल के जो अभी लोग सामने आ चुके हैं, इस तरीके की चूतिया बनने वाली कहानी बताता है जिसका कोई लॉजिक नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसके बाद जो चूतिया गिरी वाली वेब सीरीज बनाता है वो है अल्ट बालाजी, लेकिन उल्लू सबसे ऊपर है जो महा चूतिया बनने वाली वेब सीरीज बनाता है। तो ये चर्म सुख भी उसी का एक नतीजा है और वही एक एग्जाम्पल है। तो जो लोगों ने चरम सुख वेब सीरीज नहीं देखा उनको बहुत उत्सुकता थी कि किस तरह की कहानी क्या क्या कुछ बताया। तो यार, उन लोगों को इतना बोलूंगा कि यहाँ पर आपको चारों की चारी कहानी के बारे में पता चलेगा उसमें क्या चूतिया वाली कहानी थी। तो शुरू करते हमारा आज का वीडियो, लेकिन इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं इतना बोलूंगा, और ज्यादा पसंद आता है तो भाई हमारे चैनल को इस तरह की सपोर्ट करते रहे। मैं अकेला वीडियो बनाता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ सिर्फ आप लोग के लिए, और जेन्युइन चैनल है ये। यहाँ पे एक वीडियो एक एपिसोड देख के कहानी नहीं बताती, यहाँ पे पूरा का पूरा देखते चाहे वो कितनी भी टॉर्चरस क्यों ना हो। इस वेब सीरीज की, तो इस वेब सीरीज का फर्स्ट एपिसोड है मॉम एंड डॉटर। तो जैसा कि इसका नाम है, बिल्कुल ये वेब सीरीज भी ऐसी एक माँ और बेटी की कहानी है, लेकिन इतनी थर्ड क्लास कहानी जो सिर्फ पॉर्न मूवीज में होती थी। लेकिन अभी उल्लू वाले ने साबित कर दिया कि वो लोग भी पॉर्न मूवीज बना सकते हैं इंडियन तड़के के साथ। तो बेसिकली यहाँ पे एक लड़की है, वो अपनी फ्रेंड से, यानी कि लड़की दूसरी भी एक फ्रेंड से ही बात करती है वीडियो कॉल पे कि यार मेरा एक बॉयफ्रेंड है। तो वो बोलती है, ये देखो क्या बोलती है, वो बोलती है तूने अभी तक उसका सेक्स नहीं की, देख तू सेक्स कर ले वरना तेरे को वो छोड़कर चला जाएगा। तो लड़की बोलती नहीं मुझे डर लगता, मैंने कभी ऐसा की नहीं। तो बोलती नहीं नहीं तुझे करना पड़ेगा। तो लड़की क्या करती है, अपने बॉयफ्रेंड को बुलाती घर पे कि तुम मेरे घर पे आओ, मेरी माँ से मिल लो। लेकिन क्या होता है, उस वक्त उसकी माँ बिजी होती है, उस माँ उसकी घर पे नहीं होती। तो लड़का लड़की सेक्स कर लेते, लेकिन अचानक उसकी माँ आ जाती है और माँ के साथ भी लड़का सेक्स कर लेता। उसके बाद क्या चूतिया बना होता है ये आप ये वेब सीरीज में देखोगे। सच में ये तो सिर्फ शुरुआत है। अब सेकेंड एपिसोड की कहानी ये है कि इसके बारे में मुझे कमेंट किया कि जरूर बता रहे कि ये सब सिचुएशन जो मैं सेकंड एपिसोड के बारे में बताने वाला हूँ ये कहाँ पर होती है, और अगर होती भी तो मुझे प्लीज कमेंट करके बताना। तो बेसिकली सेकंड एपिसोड का नाम है एक ख्वाब सुहागरात। तो यहाँ पर ऐसा बताया कि एक लड़की है जो बचपन से अपने माँ बाप के साथ नहीं रही है, लेकिन जब वो बड़ी हो गई है तो उसके माँ का कॉल आता है कि तुम्हारी शादी हम लोग करवा रहे, तो तुम घर पे आ जाओ और शादी कर लो। तो वो लड़की आती है और लड़की के सपने होते कि उसको एक अच्छा लड़का मिले जो उसे बहुत प्यार रखे, जो उसका बहुत ख्याल रखे, मतलब बहुत सी चीजें उसकी लड़की के जो नॉर्मल जो लड़की होती है ड्रीम होते हैं लड़के के लिए कि मैं शादी करूंगी तो अच्छा लड़का होगा, तो उसी के भी वैसे ड्रीम होते हैं। लेकिन जब वो यहाँ पे आती है, शादी करती है, शादी करने के बाद उसको पता चलता है कि एक ऐसी परंपरा है जो उनके गांव में, जो उनके समाज में होती है, मतलब परंपरा ये है कि एक लड़का जब अपनी लड़की से शादी करता तो शादी करने के बाद वो लड़का अपनी ही दुल्हन को जिंदगी भर धंधा करवाएगा, यानी प्रोस्टिट्यूट का काम कराएगा या कॉल गर्ल का काम करवाएगा पूरी जिंदगी। अब ये मुझे बताओ, ये कौन सा गाँव है, कौन सा रिलीजन है जहाँ पे इस तरीके की परंपरा होती है? ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये उल्लू वाले ने सेकंड एपिसोड में बताया। और कौन सी परंपरा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि ये वेब सीरीज देख के, ये एपिसोड देख के मेरा दिमाग की नस पड़ गई भाई। मैं बहुत इतना, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मजाक बना के रख दिया भाई लड़कियों का सेकेंड एपिसोड में एक ख्वाब सुहागरात में। तीसरा है, ये तो सीधा सीधा उल्लू वाले ने थ्रीसम बनाने की कोशिश की है जिसका नाम है भैरूपिया। यहाँ पे ऐसा है कि एक लड़की है, यहाँ पर भी वही शादी का एंगल, जिसको एक लड़का मिलियनर लड़का है, बहुत पैसे वाला लड़का है, उससे शादी की बात तय होती है। तो वो लड़का जो मिलियनर है वो इस लड़की से बोलता है कि यार शादी से पहले हम लोग एक रात साथ में बिताएंगे। अब आप लोग को पता है कि साथ में बिताएंगे तो लोग क्या करेंगे, तो वो लड़की मान जाती है। और जब लड़की उसके घर पे पहुंचती है तो वहां जाने के बाद पता चलता है कि वो लड़की, वो जो लड़का है मिलियनर, उसकी कजिन है जिससे वो बहुत प्यार करता है। लेकिन उसकी कजिन की प्रॉब्लम ये है कि उसको लड़की भी पसंद है और लड़का भी पसंद है, मोस्टली वो बाइसेक्सुअल आप लोग समझ लो। तो सिर्फ उसकी कजिन के लिए वो इस लड़की से शादी करने के लिए तैयार होता है, और उस लड़की को बोलता है कि अगर तुझे मुझसे शादी करना है तो तुझे इस लड़की के साथ लेस्बियन बनके, मतलब लेस्बियन मतलब दो लड़की लड़की आपस में सेक्स करेंगे। तो उसके मतलब यहाँ पे सीधा थ्रीसम बताने की कोशिश की, वाह भाई वाह वाह उल्लू वाले, इमेजिन भी नहीं किया था कि मुझे थ्रीसम भी उल्लू वाले दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन फाइनली उल्लू वाले ने थ्रीसम भी दिखा दिया, तो कांग्रेचुलेशंस उल्लू वाले। चौथा एपिसोड है यहाँ पे, चम सुख करना जरूरी है। चौथे एपिसोड की कहानी सिंपल सी ये है कि भाई एक लड़का लड़की जो एक दूसरे से प्यार करते और उनको सेक्स करने की जगह नहीं है, तो उनको बेसिकली जगह चाहिए। तो जगह की कोशिश में वो लोग एक जगह पहुंचते जहां पे पुलिस की रेड पड़ जाती है। फिर वहां से भागने के बाद वो लोग कहां जाते हैं, बेसिकली चौथे एपिसोड में आपको ये देखना पड़ेगा।
तो कुल मिला के उल्लू के वेब सीरीज देख के मैं इतना ही बोलूंगा कि यार मैं इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ, और स्पेशली सेकेंड एपिसोड को लेकर के मैं इतना ही बोलूंगा भाई, अगर तुम लोग उल्लू की वेब सीरीज देखते हो तो तुम लोग बहुत बड़े चूतिया हो। अब मैं जब रिव्यू करता तो मुझे तुमसे भी बड़ा चूतिया बना दिया तुम लोग ये उल्लू की वेब सीरीज के चक्कर में, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट करती है। तो इस तरीके की चीजों को ना देखे तो बेटर है। मैं इतना बोलूंगा कि वेब सीरीज देखना है तो यार बहुत सी अच्छी अच्छी वेब सीरीज जो नेटफ्लिक्स पर आती है, जी फाइव पर आती है, तो अमेजोन प्राइम पे आती है, अभी हाल ही में था फैमिली मैन, बहुत अच्छी वेब सीरीज। अगर आप लोगों ने इसके रिव्यू नहीं देखा तो मैंने बहुत अच्छी तरीके से रिव्यू किया, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, अरहान एंटरटेनमेंट में द फैमिली मैन के हर एपिसोड का आपको रिव्यू मिलेगा। बहुत ही बेहतरीन वेब सीरीज है। तो मैं बोलता हूँ उल्लू की वेब सीरीज में देखने चाह द फैमिली मैन देखे। तो यार इस वीडियो में इतना, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, और हाँ मेरे दोस्त लोग जो इस चैनल को सब्सक्राइब किए हो, आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, तो इस तरीके से जो प्यार जो सपोर्ट दे रहे हो हमेशा बनाए रखे, और यहाँ पे जेन्युइन रिव्यू मिलता है, फेक नहीं मिलता है। तो यार अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी तो माफ करना। मैं भी मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो का। टिल देन बाय, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज्यादा शेयर करें।